subscribe to our channel and press the bell icon. Good morning, friends. Welcome to Sir Abdul Sattar Khan. सर अब्दुल सत्तार खान इस YouTube चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। व्हाट आफ्टर 10th क्लास, यानी 10th क्लास के बाद में आपने क्या करना है, तो इसका ये सीरीज़ का ये पहला वीडियो है। ऐसे और चार वीडियो हम लेकर आएंगे, चार या छः, यानी टोटल 7 वीडियो रहेंगे जो अलग अलग टॉपिक पर रहेंगे। पहला टॉपिक है स्कोप ऑफ ITI कोर्सेस। अब ये स्कोप ऑफ ITI कोर्सेस जिसमें जॉब अपॉर्चुनिटी, स्किल्स और करियर ऑप्शंस सब बताएंगे, जिसमें कितनी सैलरी मिलती है, कितना पैसा मिलेगा आपको, ये पेरेंट्स और स्टूडेंट्स सबके लिए यूज़फुल है। और इस वीडियो को आखिर तक देखिए, इसमें कहां कहां पर नौकरी मिलती है इसका डिस्क्रिप्शन में हमने एड्रेस भी दे दिया है, जहाँ पर आप ढूंढ सकते हैं कि कहाँ पर कौन सा कोर्स करना है, कि कौन से कोर्स अच्छे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट कोर्स से। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोर्स है, ITI इलेक्ट्रिशियन। अभी ITI इलेक्ट्रिशियन होता क्या है और इसको कितना ड्यूरेशन है, इसका टाइम कितना लगता है, सैलरी कितना मिलती है, चलिए शुरुआत करते हैं। ITI इलेक्ट्रिशियन कोर्स क्या है? अगर आप एक बहुत ही अच्छे काम करने में रुचि रखते हैं तो ये डिप्लोमा लेवल का एक कोर्स है। इंजीनियरिंग कोर्स भी कर सकते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम में ITI के बाद, यानी 10th स्टैंडर्ड 10वीं के बाद में अगर आप डिप्लोमा नहीं कर सकते तो आपके लिए बहुत ही अच्छा कोर्स है। यानी आप बहुत आसानी से ITI के ज़रिए बहुत सारे स्किल्स सीख सकते हैं और आपको एक अच्छा जॉब भी मिल सकता है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी इसको एडमिशन कब मिलता है? आप 10th के बाद में भी एडमिशन ले सकते हैं, कोई भी मीडियम, उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम, मराठी मीडियम, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अब इसकी नौकरी के बारे में हम आगे देखेंगे, पहले देखेंगे इलेक्ट्रिशियन की स्किल्स क्या होती है, इलेक्ट्रिशियन क्या करता है। ये बहुत अच्छा कोर्स है, इसमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में आप सीखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कैसी मिलती है, कहाँ पर कैसा पहुँचाते हैं, और आप इसमें एक इलेक्ट्रिशियन के तौर पर एक इंस्ट्रक्टर भी बन सकते हैं, ITI में पढ़ा भी सकते हैं, कंपनीज में भी जॉब मिलती है। दूसरा कोर्स है ITI डीजल मैकेनिक। ये ITI डीजल मैकेनिक क्या होता है, ये इसकी एलिजिबिलिटी है 10th पास, इसका ड्यूरेशन 1 साल है। डीजल मैकेनिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है। ये कोर्स सभी प्रकार के जो व्हीकल्स, वाहन होते हैं उससे संबंधित है, यानी जितनी भी डीजल की गाड़ियां होती हैं उससे संबंधित है ये। इसमें सरकारी और निजी ITI संस्थान में, यानी इंस्टीट्यूट में आप कर सकते हैं, और इसको बहुत आसानी से आपको बहुत सारी जानकारी मिलती है। चलिए देखते हैं इसकी खासियत क्या है। डीजल मैकेनिक का जो कोर्स है ये एक सर्टिफिकेट कोर्स भी है और इसमें ये डिप्लोमा लेवल का कोर्स भी होता है। ये ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से कनेक्टेड कोर्स है, ये ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से के सेक्टर में इसमें ज़्यादा इसका डिमांड होता है। ये बहुत ही प्रोफेशनल कोर्स है और कैंडिडेट के ज़रिए ये जो अगर सेलेक्ट किया जाता है तो उनको एवरेज सैलरी कितनी मिलती है, एटलीस्ट स्टार्टिंग सैलरी इनको 10,000 से 12,000 ये प्राइवेट सेक्टर में मिल जाती है। अब कहाँ कहाँ पर मिल सकती है, ऑटोमोबाइल मैकेनिक, मशीन ऑपरेटर, इंजन मैकेनिक, इसमें आपको नौकरी मिल सकती है। अब देखते हैं सेकंड, ये तीसरा कोर्स है ITI मोटर मैकेनिक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। ITI मोटर मैकेनिक क्या होता है, इसको भी 10th पास आपको होना चाहिए। ड्यूरेशन क्या है इसका, 2 साल का ड्यूरेशन, यानी 2 साल आपको लगेंगे ये करने के लिए। अब ये मोटर मैकेनिक क्या होता है, ये मोटर यानी व्हीकल, मोटर वाहन मैकेनिक बन सकते हैं। 1-2 साल का ये जो कोर्स है इसमें स्टूडेंट को बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है, जैसे कि अलग अलग टाइप की बस है, ट्रक है, कार है, मोटरसाइकिल है, इसकी ओवरहॉलिंग, रिपेयरिंग, सर्विसिंग कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें इसमें सिखाई जाती है। नेक्स्ट क्या है, ITI मशीनिस्ट। ये मशीनिस्ट क्या होता है, इसकी एलिजिबिलिटी 10वीं पास होना ज़रूरी है। अब ये 2 साल का कोर्स है। मशीनिस्ट जो है ये एक अलग टाइप के मेटल्स को प्रोड्यूस करना, उत्पादन करना, अलग अलग उसके धातु के इक्विपमेंट के प्रोडक्शन करना, मशीन टूल्स बनाना, लेथ मशीन वापरना, मिलिंग मशीन वापरना, ग्राइंडर का इस्तेमाल करना,
और उसके बाद मशीनिस्ट के जो मैनुअल रहते हैं, सीएनसी मशीनरी रहती है उसका इस्तेमाल करना, ये सब चीज़ें ज़रूरी है। सीएनसी क्या होता है? कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन होती है, ये भी आपको आना चाहिए। अगर आप ये सीख लेंगे तो आपको सीखने से बहुत सारी चीज़ें, आपको बड़ी आसानी से नौकरी भी मिल सकती है, आप ख़ुद का वर्कशॉप भी डाल सकते हैं। अब मशीनिस्ट में यह आईटीआई का जो कोर्स है इसमें बहुत सारी ज़रूरी कंपलसरी चीज़ें होती है, जैसे कि मेटल्स के बारे में जानकारी लेना, मशीनिंग करना यानी उसको फोर्जिंग करना, उसको कैसा कोई मशीन को बनाते हैं, उसके ऑपरेटर्स कैसे लगाते हैं, ये सब चीज़ें इसमें सिखाई जाती है। इसकी इनिशियल सैलरी क्या होती है? अगर कंपनी में लगेंगे तो आपको 10 से 15 हज़ार रुपये आपको मिलना चाहिए, और आपको गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट सेक्टर में भी इसकी सैलरी अच्छी होती है, 24 हज़ार से 36 हज़ार तक सैलरी मिल सकती है। अब आईटीआई स्टेनोग्राफर ये ख़ास तौर पर लड़कियां करती है, लेकिन लड़के भी करते हैं, ये कोर्ट में या दूसरे जगह गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारे ऑफिसेस में सेक्रेटरी के तौर पर भी यहाँ पर आपको जॉब लगती है। ये स्टेनोग्राफर क्या होता है? स्टेनोग्राफी जो होता है ये टाइपिंग, शॉर्ट हैंड, ये सब मिलाकर एक कोर्स है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 10th पास स्टूडेंट को इसमें एडमिशन मिल जाता है, 1 साल का ड्यूरेशन है। अब स्टेनोग्राफर जो है 2 अलग अलग हिस्सों में होता है, पहले टंकन यानी टाइपिंग होता है, और उसके बाद में आशुलिपि। आशुलिपि क्या होता है? आशुलिपि का मतलब होता है शॉर्ट हैंड। अब ये शॉर्ट हैंड का जो है उसमें आपको स्पीड मेंटेन करना पड़ता है, यानी 60 से 120 तक की स्पीड अगर आप मेंटेन करेंगे तो आप शॉर्ट हैंड में टाइपिंग में तो आपको बहुत उसके अंदर जल्दी जॉब मिल सकती है। स्टेनोग्राफर का जो इम्पोर्टेंट काम होता है वो असिस्ट करने का होता है, जो भी उसके ऑफिसर मैनेजर रहेंगे या बड़े बड़े डिपार्टमेंट के। आपने अक्सर देखा होगा कोर्ट में बिलीफ के नीचे जब कोर्ट डिसीजन देता है तो लिखने के लिए भी एक आदमी बैठा रहता है, वो स्टेनोग्राफर होता है। अब स्टेनोग्राफर की सैलरी क्या है? इसमें ग्रेड सी और ग्रेड डी के 2 ग्रुप है। ग्रेड सी की सैलरी 7,500 है, ग्रेड डी की सैलरी 14,000 ग्रेड सी की 14,000 और ग्रेड डी की 7,500 के करीब सैलरी होती है, स्टार्टिंग सैलरी। अब ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC, इसमें स्टेनोग्राफर का पे स्केल दिया है 9,300 से 34,800, यानी ये क्लास 2 के ग्रेड के करीब करीब इसका सैलरी दिया जाता है। पे बैंड 4,200 से 4,600 है। इनिशियल सैलरी प्राइवेट सेक्टर में 5,500 के करीब मिलती है। चलिए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट कोर्स की, ये है ITI वायरमैन। ITI वायरमैन का कोर्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है। ये विद्युत घटकों में संबंधित एक विद्युत व्यवसायिक व्यापार है, यानी ये इलेक्ट्रिकल वायरमैन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें जैसे कि वायरिंग करना, तारों का काम करना, मरम्मत यानी रिपेयरिंग करना, और उसका मेंटेनेंस करना यानी रखरखाव करना, ये भी सब ज़रूरी चीज़ें हैं। ये यानी गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट में या एब्रॉड में, यानी गल्फ में, दूसरे सऊदी में या फिर दूसरे मुल्कों में जाकर भी आप इससे अच्छा जॉब हासिल कर सकते हैं। वायरमैन जो है एक इलेक्ट्रिशियन के घरों के काम करना, जैसे कि या फिर तारों को सही तरीके से जोड़ना, या फिर आपने MSCB वगैरह की वायरिंग करते हैं वहाँ पर काम करना, लाइनमैन रहते हैं जो लाइन बिछाते हैं, बिजली के तार बिछाते हैं, वो भी एक बहुत ही अहम काम का हिस्सा है। अब इसकी पोजीशन क्या होती है इलेक्ट्रिकल वायरमैन की? इसकी सैलरी तकरीबन 15,000 के आसपास होती है। प्राइवेट सेक्टर में कम से कम आपको 7,000-8,000 से सैलरी स्टार्ट हो जाएगी, गवर्नमेंट सेक्टर में भी इसकी सैलरी 24,000 से 36,000 के करीब होती है। चलिए देखते हैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है। आजकल पूरे दुनिया में इसका डिमांड है, ख़ास तौर पर जैसे जैसे दुनिया तरक्की करती जा रही है रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग की डिमांड बढ़ती ही जा रही है। अब ITI रेफ्रिजरेशन होता क्या है? ये एक स्पेशलाइज्ड कोर्स है जिसमें एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन के प्रोसेस के बारे में मालूमात हासिल की जाती है। ये अलग अलग पार्ट को कूल करने का काम है। अब जिस जैसे कि आप घर में फ्रिज बना लगाते हैं या AC लगाते हैं वहाँ पर काम आता है, या फिर कहीं बहुत सारे जगह पर जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है वहाँ इस्तेमाल होता है, कंपनीज़ में, ऑफिसेस में AC लगाते हैं।
अभी आगे और कुछ चीज़ें देखेंगे। अभी इसकी ये प्राइवेट सेक्टर में इसकी फीस 5,000 से 50,000 है, गवर्नमेंट में आपको गवर्नमेंट कोटे के हिसाब से आपको फीस भरकर आपको वहाँ पर कर सकते हैं। इसमें अलग अलग कोर्स होते हैं, 6 महीने का भी कोर्स है और 2 साल का भी है। 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स है, 2 साल का डिप्लोमा लेवल का कोर्स होता है। इसका एडमिशन कैसा होता है, एंट्रेंस टेस्ट से या मेरिट से होता है और मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं लगती है। अब इसमें एक नई चीज़ जुड़ गई है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में HVAC। व्हाट इज एन HVAC? HVAC HVAC सिस्टम है। अब ये क्या है, सबसे पहले HVAC के माने होता है हीटिंग, H फॉर हीटिंग, V फॉर वेंटिलेशन एंड AC यानी एयर कंडीशनिंग। अब ये नया सिस्टम जो है इसमें इंट्रोड्यूस कराया गया है। दिस सिस्टम प्रोवाइड्स हीटिंग एंड कूलिंग टू अ रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग्स। पहले सिर्फ कूलिंग की बात होती थी यानी रूम को ठंडा करने की। अब बहुत सारे ऐसे जगह भी होती है जहाँ पर सर्दी ज़्यादा होती है तो वहाँ पर रूम को गर्म करने का भी सिस्टम होना चाहिए, तो अब वो कूलिंग के साथ हीटिंग सिस्टम भी लगाया जा रहा है। अब ये कहाँ पर रेजिडेंशियल बिल्डिंग कमर्शियल बिल्डिंग में लगाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया, नया कंस्ट्रक्शन जहाँ भी होता है वहाँ बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। और ये फ्रेश एयर का इस्तेमाल करते हैं और इंडोर क्वालिटी एयर को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। इसका सैलरी भी अच्छा होता है, जॉब अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छी है। महाराष्ट्र के पूना में तकरीबन 15,000 के करीब सैलरी मिलती है, रेस्ट ऑफ इंडिया में 10 से 15,000, महाराष्ट्र के मुंबई में 20,000 सैलरी मिलती है, गल्फ़ में जाएंगे तो तकरीबन आपको 40 से 50,000 रुपये सैलरी आराम से मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट कोर्स देखते हैं, ITI मशीनिस्ट ग्राइंडर। अब ये ITI मशीनिस्ट ग्राइंडर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है और इसका आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। ये क्या है, मशीनिस्ट ग्राइंडर एक मशीन टूल्स ग्राइंडिंग वोकेशनल कोर्स है। ये इसका ड्यूरेशन 2 साल का है, 6 इसके अंदर महीने के कम से कम 4 सेमेस्टर होते हैं। अब इसके क्लासेस में बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है जैसे कि मशीनिंग ग्राइंडिंग टेक्निक सिखाते हैं, ऑपरेटिंग अलग अलग मशीन को कैसा ऑपरेट करना और फैब्रिकेट करना, रिपेयर करना, बनाना, ये अलग अलग टाइप की चीज़ें सिखाई जाती है, मशीन को अप्लाई करना और इसमें बहुत सारे मेटल और प्रॉपर्टीज लेआउट बनाना, बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है मशीनिस्ट ग्राइंडर। अब देखिए मशीनिस्ट की सबसे बेहतरीन जो जॉब मिलती है वो रेलवे में है। वैसे तो गवर्नमेंट सेक्टर के और प्राइवेट सेक्टर में बहुत डिमांड है, कंपनीज़ में बहुत ज़्यादा डिमांड होती है मशीनिस्ट की क्योंकि ये तकरीबन ऑलराउंडर होते हैं। तो ये क्या है, ये ITI का एक डिप्लोमा कोर्स है, 10वीं के बाद में आपको एडमिशन मिल जाता है और इस कोर्स में आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब दोनों जगह बहुत ही ज़्यादा आपको इसका फ़ायदा हो सकता है। रेलवे में सबसे ज़्यादा इसकी वैकेंसी निकलती है, 2 साल के डिप्लोमा कोर्स करने के बाद आप डायरेक्ट रेलवे में लग सकते हैं। और आपको नेक्स्ट कोर्स देखेंगे ITI टर्नर एंड फिटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है, दोनों भी इंडस्ट्रीज़ के लिहाज से भी और गवर्नमेंट सेक्टर के लिहाज से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है ITI के। टर्नर इज़ अ 2-ईयर वोकेशनल ट्रेड इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग वेयर द स्टूडेंट्स आर इंट्रोड्यूस्ड टू अ वैरायटी ऑफ टॉपिक्स सच एज स्टेप्स टू मैन्युफैक्चर असेंबल मेटल कॉम्पोनेंट्स टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ टूल्स मशीन कॉम्पोनेंट्स एंड इंडस्ट्रियल मशीनरी। ये 2 साल का वोकेशनल कोर्स है, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है यानी ये बहुत सारे जो अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं, असेंबलिंग यूनिट्स है जैसे कि बजाज ऑटो है या एंड्योरेंस है या फिर सीमेंस है, यहाँ पर इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। अलग अलग जैसे टूल एंड डाई मेकर वगैरह के जो जगह होती है वहाँ पर मशीन कॉम्पोनेंट बनाने वाली कंपनी में भी इसकी वैकेंसी होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि ये इसकी खासियत क्या है। टर्नर और फिटर ये 2 अलग अलग कोर्स है लेकिन दोनों कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे एक ही जगह इसको मेंटेन करने की कोशिश की है। ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ मशीन को मेंटेन करने का काम करते हैं, टर्नर और फिटर बहुत इंपॉर्टेंट लोग होते हैं जो किसी कंपनी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं। ये असेंबल करने में, फिटिंग करने में, नई मशीनरी लगाने में, इक्विपमेंट लगाने में, ये एक हाईली स्किल जॉब होता है टर्नर का भी और फिटर का भी। दोनों की सैलरी भी तकरीब यकसा होती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें मेटल रिपेयरिंग वगैरह पार्ट्स और टर्निंग फिटिंग ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। इसकी सैलरी भी एक जैसी होती है। अभी देखिए टर्नर में CNC टर्नर एक नई चीज़ आ गई है। CNC क्या होता है, ये कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन होती है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी CNC टर्नर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है।
अभी इसकी सैलरी इवन हैदराबाद के आसपास में 15,000 रुपये करीब मिलती है, बॉम्बे वगैरह में ये तकरीबन 25,000 रुपये के आसपास मिलेगी तमिलनाडु में, और सीएनसी टर्नर के जो तमिलनाडु वगैरह में जो एक्सपीरियंस लोगों की सैलरी कैसी है वो तकरीबन 50,000 के आसपास है। चलिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन प्राइवेट कंपनीज़ देखते हैं, जैसे कि टाटा मोटर्स, एंड्योरेंस या फिर बजाज ऑटो लिमिटेड या फिर दूसरे जो बड़े बड़े कंपनीज़ हैं, तो रिलायंस अप्लायंसेस वगैरह है या फिर निर्लेप वगैरह है, तो इसमें कैसी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी। सीमेंस है, पियाजो है या फिर हीरो होंडा है, टीवीएस मोटर कंपनी है, तो इन तमाम में कैसी अपॉर्चुनिटीज़। आईटी पास होने वाले ज़्यादातर नौकरियां जो रेलवे सेक्टर में है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी फ्रेशर को अच्छी जॉब मिल जाती है। यहाँ 10,000 से 15,000 रुपये की सैलरी मिलना चाहिए, लेकिन उससे कम भी मिल सकती है, उससे ज़्यादा भी मिल सकती है। एक्सपीरियंस के बाद ये आपको सैलरी बढ़ सकती है, वो तकरीबन 40 से 60 हज़ार के बीच में आपको सैलरी जा सकती है। उसके बाद आईटीआई पास होने वाले लोगों की कुल नौकरियां कितनी निकलती है, हर साल तकरीबन 2.5 लाख के करीब नौकरियां निकलती है आईटीआई पास होने वाले बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन गवर्नमेंट सेक्टर। तो गवर्नमेंट सेक्टर में कौन कौन से सेक्टर आते हैं, जैसे कि एसटी है यानी स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, एमएससीबी है, महावितरण है, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, दूसरे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है। सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कहाँ निकलती है, प्लम्बर की निकलती है। कौन सा कोर्स है, प्लम्बर, जो सबसे डिमांड में कोर्स होता है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी, बीएनसी, कॉरपोरेशन, नगर परिषद, सब जगह प्लम्बर की ज़रूरत होती है। टूल एंड डाई मेकर, ये भी कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी भी वैकेंसी निकलती है। अब ये इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, प्लम्बर, टूल एंड डाई मेकर, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। गवर्नमेंट सेक्टर में आईटीआई पास के लिए कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ है, तो अगर आप इंडी गवर्नमेंट जॉब्स की वेबसाइट पर जाएंगे तो आईटीआई के लिए बहुत सारे नए नए नौकरियों के बारे में अपडेट आती रहती है। आप अगर गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी हासिल करना चाहते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के सेक्टर में जाकर नौकरी हासिल कर सकते हैं। स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में, एसटी में मिल सकती है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, कंपनी में, मंडल में मिल सकती है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी पीडब्ल्यूडी में, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट बीएनसी में, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जिला परिषद, नगर परिषद, नगर काउंसिल में इसकी वैकेंसी मिल सकती है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरे बच्चों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए गुड बाय।